मेरी बेगम अभी अभी तो इधर कैमरे में आप लोगों को दिखाई नहीं देगी, वो ऊपर मतलब किचन में कुछ तोड़फोड़ कर रही होगी, खाना बनाना सीख रहे हैं ना अभी, अब घर हो गई है, अब घर में तो खुद ही बनानी पड़ेगी किचन यार भी है तुम्हें। आपके घर में? अरे घर में किचन नहीं होगी घर क्या? में क्या किचन बात नहीं कर होगा। रहे हो यार, क्या क्या अभी दिखाएंगे ना। सॉरी, हमें नहीं पता था। What's up guys, welcome back to my channel and you're watching Mr. Abhi TV React, and if you're new to the channel, please subscribe to the channel, like this video and don't forget to turn on that notification bell. So guys, the big news, होइन जो जुन चाहिँ यति यति बेरदेखि लुकेर बसेको छ त्यो चाहिँ आइसक्यो, एन्ड द्याट्स लाइक आयुष एन्ड अलिजेको हाउस। त्यो के भन्छ यो हाउस भन्ने शब्द अब आयुजेको घर अभियसली होइन भइसक्यो, एन्ड एन्ड दिस भिडियो इज नट बाई द वे, सबैभन्दालाई पहिला भन्छु दिस भिडियो इज नट होइन होल भिडियो, आई थिङ्क दिस भिडियो इज लाइक भेरी भेरी इमोसनल, भेरी भेरी स्पेसल होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ आई अलरेडी वाच्ड अहिले यो चाहिँ मैले भिडियो हेरिसकेँ होइन ब्लग, त्यही भएर चाहिँ बिकज दिस इज भेरी स्पेसल एज इट्स अ जर्नी, अनि यो पुरै भिडियो रियाक्ट गर्नुभन्दा पनि आई रियली वान्टेड टु किप इट लाइक स्पेसल स्पेसल मोमेन्ट, अनि त्यहीँ गएर सबै भिडियो हेर्नुहोस् एन्ड जस्ट मेक दिस भिडियो भेरी स्पेसल होइन, मेक दिस भिडियो भेरी भेरी मेमोरेबल। अनि त्यही भएर चाहिँ म यहाँ रियाक्सन भिडियो पनि जोस् म थोथोरै अलिअलि पार्टहरू मात्रै गरेर जोस् राखिदिन्छु, बिकज आई रियली वान्टेड यु गाइज टु एक्चुली गो टु अलिजेस ब्लग एन्ड जस्ट सी द भिडियो, किनभने यो भिडियो तपाईँ होइन मसँग बसेर भन्दा नि होइन एक्लै बसेर हेर्नु कि आई थिङ्क द्याट्स लाइक भेरी भेरी स्पेसल। मैले नि यो एक्लै हेरेको होइन, रियाक्सन भिडियो त छँदैछ बट आई थिङ्क दिस भिडियो इज दिस भिडियो टेल्स लाइक सो मच अफ थिङ्स के, दिस इज लाइक अ ड्रिम फर देम, दिस इज लाइक आवर ड्रिम होइन, जुन चाहिँ हामीले देखेको थियो अथवा प्रयास गरेको थियो अथवा त्यो सोचेको थियो, एन्ड द्याट्स लाइक द इट्स ट्रु राइट नाउ होइन, अनि ट्रु भयो, अनि धेरैजसो अब त्यही भएर चाहिँ आई रियली वान्टेड टु रिक्वेस्ट यु गाइज जस्ट टु गो टु अलिजे च्यानल होइन, दुई तिनचोटि हेर्नु, दस बाह्रचोटि बिस तिसचोटि हेर्नु, बट यु विल फिल भेरी भेरी स्पेसल होइन, एकदमै एकदमै स्पेसल फिल हुन्छ, बिकज बिहाइन्ड द स्टोरी प्रोबेब्ली पिपल डजन्ट नो कि कति कति के भयो यताउता होइन, किनभने चाहिँ दे इज लाइक सो मच अफ थिङ्स विच प्रोबेब्ली आयुष भाइ विल रिभिल होइन, के कस्तो भयो इफ यी वन्ट्स टु होइन, त्यो यो ड्रिम आउनुभन्दा पहिला होइन धेरै चिजहरू चाहिँ उसकोमा भइसकेको थियो, एन्ड प्रोबेब्ली इफ यी डजन्ट वन्ट टु से एज वेल इट्स फाइन, बट द हाउस इज रिभिल्ड एन्ड दिस इज लाइक द हाउस इज अमेजिङ, एकदमै 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 ब्युटिफुल, इट्स जस्ट लाइक आयुजेको महल जस्तै छ, यु नो जस्ट सोलमेटको गानामा गीतमा पनि थियो नि त लगभग त्यस्तो त्यस्तै टाइपको छ, बट आइ एम रियली रियली के नि एकदमै 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 खुसी, एकदमै खुसी, आई रियली कान्ट एक्सप्रेस माई फिलिङ, आई एम फम्बलिङ, बिहान उठ्ने बित्तिकै ब्लग हेऱ्यो होइन मजाले, अति नै खुसी लाग्यो होइन, बिकज एन्ड आई रियली वान्टेड टु से एज वेल द्याट अभियसली सी प्रब्लम के छ नि मान्छेको, मान्छेहरूले चाहिँ मेरो हिसाबमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने मान्छेहरूले माथि पनि आफैले पुर्याउँछ होइन, माथि पनि आफैले पुर्याउँछ, अनि एउटा मान्छे मासतिर गयो भने चाहिँ अनि नर्मल्ली मासतिर गयो भने चाहिँ ओहो यार यो मान्छे त धेरै मासतिर गयो भनेर तल पनि गिराउनु खोज्छ होइन, एन्ड प्रोबेब्ली वी विल डेफिनेटली नो द्याट नाउ आफ्टर दिस न्युज देयर विल बी सो मच अफ पिपल ट्राइङ टु डु द्याट वर्ड, एन्ड आई रियली वान्टेड टु रिक्वेस्ट हाम्रो जनताहरूलाई चाहिँ कि त्यस्तो आयो भने एन्ड विच विल डेफिनेटली कम, त्यस्तो आयो भने जस्ट इग्नोर गर्नु, जस्ट इग्नोर गर्नु, जस्ट बी ह्याप्पी फर दम होइन, अनि त्यसपछि कति आनन्द हुन्छ हेर्नु न, कति आनन्द लाग्ने, एन्ड हाउस इज लाइक क्रेजी क्या अब त्यो होइन, यो दुई वर्षमा यति राम्रोसँग जस्ट साथ द्याट्स वाइ इट अल्सो सोज द्याट होइन, एकदमै राम्रो पार्टनर राम्रो जोस् होइन, भगवान्ले केही न केही जुराएर पठाएपछि दे विल डेफिनेटली डु इट होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ कति मेहनत छ, एन्ड मैले त यत्रो ठुलो न्युज चाहिँ यिनीहरूले कसरी लुकाएर राख्यो भने त्यतिमै अलिकति आई थिङ्क वी एक्चुली निड टु गिभ अ भेरी बिग शाउट आउट टु देम, बिकज अभियसली होइन देयर इज सम न्युज होइन, भाइले त हिँड दिएर पहिला पहिला कुनै बेला त न्युजहरू चाहिँ निस्किहाल्थ्यो, बट प्रोबेब्ली दिस इज द ड्रिम द्याट्स वाइ होइन, एकदमै उनीहरू चाहिँ त्यो सिक्रेट राख्न एकदमै सफल भयो, एन्ड घर देख्दा एन्ड प्रोबेब्ली होइन दे आर वकिङ दे आर टकिङ होइन ब्लगमा पनि त्यो देख्छ कि, एन्ड एट द एन्ड आयुष वाज इमोसनल होइन, अलिजे वाज इमोसनल, सो द्याट इज द थिङ यार, आई थिङ्क देयर इज लाइक सम सर्ट अफ कनेक्सन द्याट वी हेभ मेड, अनि दे हेभ सम सर्ट अफ कनेक्सन विथ जनता
अनि त्यही भएर डेफिनेटली आई रियली वान्टेड टु रिक्वेस्ट इफ देयर इज लाइक सो मच अफ पिपल टकिङ नेगेटिभिटी एज वेल जस्ट फर्गेट अबाउट इट होइन, त्यो उनीहरूलाई छोडिदिनु तर चाहिँ त्यता छोडेर चाहिँ यतापट्टि चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ यो खुसीमा चाहिँ जस सबैले साथ दिनुहोस्, सामेल हुनु, जस्ट यु नो जस्ट बी ह्याप्पी होइन। अनि कान्ट बिलिभ इट वाज लाइक दिस बिकज होइन अति नै बवाल छ, घर चाहिँ बवाल छ भन्नाले इट्स लाइक भन्नाले जुन चाहिँ पहिला अलिजेले आई थिङ्क लाइफमा कुरा गर्दाखेरि कस्तो टाइपको चाहिन्छ कस्तो टाइपको बनाउने भनेको त्यस्तै टाइपको छ क्या होइन, अनि सेम त्यस्तै टाइपको सबै चिजहरू, बट विल डेफिनेटली सी लाइक लिटल बिट बिट्स एन्ड अल होइन, सबै भिडियो चाहिँ म रियाक्ट गर्दैन बिकज आई हेभ अलरेडी सिन द भिडियो होइन, थोत्रै हेर्छु अनि थोत्रै राखिदिन्छु अनि तपाईँहरू चाहिँ पुरा भिडियो चाहिँ डल्लीसँगमा गएर प्लिज एक्लै हेर्ने भिडियो क्या गाइज, यो चाहिँ मसँग बसेर हेर्ने नै होइन क्या तपाईँहरू, साँच्चै भने एक्लै बस्नु आरामले याद गर्नु होइन आयुष एन्ड अलिजेलाई, बिकज इट्स बिन 2 years यु हेभ बिन सपोर्टिङ देम अनि दिस इज द अचिभमेन्ट दे हेभ होइन, पहिलो अचिभमेन्ट एन्ड आफ्टर द्याट डेफिनेटली म्यारिज हो, दिस विल डेफिनेटली कम प्रोभाब्ली होइन, अनि त्यही भएर चाहिँ दिस इज या डेफिनेटली अफ हाई हाउस अफ आयुष एन्ड अनि आई रियली वान्टेड टु रिक्वेस्ट अल द पिपल इफ इफ दे डोन्ट लाइक आयुष एन्ड अलिजे एन्ड इफ यु आर वाचिङ एज वेल माई रियाक्सन भिडियो कि अह यार यसले कसरी रियाक्ट गरे चाहिँ यसो हेरिदिउँ न भनेर हेर्छहरू आइरहन भने आई रियली वान्टेड टु रिक्वेस्ट यार आई थिङ्क इफ यु रियली वान्ट माई रिप्लाई अनि समबडी विल से द्याट ओहो यार अब चाहिँ स्योर आउँछ नि त टिकटकमा बस्ने मान्छेहरूले चाहिँ यति कमायो तर टिकटकमा पैसा दिने मान्छेहरू चाहिँ जहाँको त्यहीँ छ भनेर भन्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ रिप्लाई के हो भने देयर इज लाइक सो मच अफ थिङ्स प्रोबेब्ली त्यो मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैन होइन, अनि त्यसपछि देयर इज सो मच अफ थिङ्स कति चिजहरू चाहिँ उता आफूहरूबाट पनि कन्ट्रिब्युसन भएको छ भन्ने कुराहरू पनि उनीहरूलाई पनि थाहा छैन, बट वाट वुड आई वुड रियली वान्टेड टु रिप्लाई इज लाइक हामी मान्छेहरूले जुन आयुष जनता हामीलाई भनिन्छ भने हामीले सपोर्ट गरिरहेको छ भने सी एकजनाले सपोर्ट गरेर मान्छे कहिले पनि माथि पुग्दैन होइन, देयर इज लाइक ऊ हाम्रो एउटा फ्यामिली हो जस्तै अब मेरो एउटा भाइ बहिनी हो होइन, मैले चाहिँ आफ्नो सक्दो गरेछु फ्रम माई साइड है त भनेपछि त्यस्तै उनीहरूको चाहिँ लाखौँमा परिवार भइदियो कि उसको दिदी उसको के भन्छ बुवा आमा उसको मामा माइजो उसको अब भनौँ न भाइ बहिनी धेरै छ क्या उसको म जस्तै मान्छे अब उसको आयुज जनतामा टन्नै छ भनेपछि उसको आयुज जनता एउटा परिवार जस्तो भयो अनि आफ्नो परिवारले जति सक्छ थोत्तोरी हेल्प गरिरहेको छ, इट्स नट लाइक बिग इट्स नट नथिङ इट्स लाइक सपोर्टिङ के अब हेर्नु थोपा थोपा मिलेर समुद्र बन्ने जस्तै कुरा हो क्या, सो त्यो थोपा थोपा चाहिँ आयुज जनताको सबै हामीहरू एकुण्ट हो, अनि अब यसलाई सोच्ने दुई प्रकारको छ, इफ यु अब एक हिसाबले सोचेर चाहिँ ओहो यहाँ राइस र अलिजे त घर बनाइदिए यहाँ टिकटकबाट पैसा उठाएर भनेर भन्दाखेरि त्यसलाई नेगेटिभ पनि सोच्न सकिन्छ अथवा मान्छेहरूले त यस्तो गरिदियो भनेर त्यसलाई त्यस्तो सोच्छ, तर एक हिसाबले पोजिटिभ हुने हो भने तपाईँको लाइफमा अलिकति हेटर्सको लाइफमा अलिकति खुसी कम छ भने एन्ड इफ यु रियली वान्टेड टु बी ह्याप्पी यसरी नै सोच्न सकिन्छ कि ओहो यार यत्रो सबैजना मान्छेले सपोर्ट गरेर यार जोस कुनै मान्छेलाई चाहिँ कति राम्रो ठाउँमा राखिदियो यार ल हेर्नु कति राम्रो सोच हुन्छ एन्ड यस्तो सोच सबैको भइदियो भने चाहिँ प्रोबेब्ली लाइक सो मच अफ पिपल त्यहाँ धेरै जसो आयुष एन्ड अलिजे अभियसली आयुष एन्ड अलिजे एउटै छ एउटै नै रहन्छ होइन, बट देयर इज लाइक सो मच अफ थिङ्स वी क्यान डु इन फ्युचर होइन, त्यो चिजलाई त्यही भएर पोजिटिभ चिजलाई पोजिटिभ लियो भने पोजिटिभै हुन्छ नेगेटिभ लियो भने नेगेटिभै हुन्छ होइन त, सो बट लेट्स वाच द भिडियो गाइज, आई एम जस्ट होइन एकदमै ओभरवेल्म्ड एकदम खुसी छु त्यही भएर चाहिँ के यार निन्द्रामै छु बिहानै उठेर हेरेको होइन, सो लेट्स वाच बिट्स एन्ड अल एन्ड देन प्रोबेब्ली देन आफ्टर द्याट जस्ट गो एन्ड वाच अलिजे ब्लग ओके लेट्स वाच लुक एट द हाउस गाइस किसका घर है ये किसका घर है ओ माय गॉड अंदर जाके देखते रुको यो गेट को प्लान त अलिजेकै हो सिहरु उई बेल भी ऑटोमेटिक हो नि सर ए भाई जे घर को मालिक जी हमारे घर है आप इधर रहते जी आज से ये सच में आपका घर इतना बड़ा जी मेरी और मेरी बेगम की सच जी अरे ये आपने जादू से खोला नहीं ऐसे ओहो वाओ ये तो हमने देखा नहीं था पहले हमारी बेगम की चोरी थी अच्छा
भने हैन ओए हेलो हेलो डिसेम्बर 2 यार वेलकम टू हाउस अफ आइजे गाइस यस सो हेलो अनि के छ त हाम्रो सन्दार गालको रोक सजन सन्चे हुन्छ ल वेलकम टू आवर न्यू हाउस न्यू डे गुड हाय त फाइनली गाइस हमारी एक खुद की एक घर हमने ले लिया है ठीक है आफ्टर लाइक अलीजर में मिला हुआ 2 साल के बाद लाइक टुडे ठीक आज के दिन 2 इयर्स से एंड 2 इयर्स के दिन ही हमने एक ये घर रिवील किया है हमारी बस अभी अभी काफी सारे काम बाकी है इसके अंदर अभी भी क्योंकि बस अभी अभी न्यूली बना हुआ घर है पर इसी काम पिछले 6-7 महीने से भी ज्यादा हो गई है जनता को हमारी फैमिली को घर के अंदर लेने से पहले आप लोग को एक शुक्रिया अदा एंड स्पेशली थैंक्स टू माई मोटू ठीक है मेरी बेगम अभी तो इधर कैमरे में आप लोग को दिखाई नहीं देगी वो ऊपर मतलब किचन में कुछ तोड़ फोड़ कर रही होगी खाना बनाना सीख रहे हैं ना अभी घर हो गई है अब घर में खुद ही बनानी पड़ेगी किचन भी है आपके घर में अरे घर में किचन नहीं होगी क्या किचन नहीं होगी क्या अभी दिखाएंगे ना सॉरी हमें नहीं पता था yes. अच्छा so, वैसे हम आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे क्या आप हमें इधर भी इधर ही खड़ा रखेंगे घर हमने लिया है ठीक है अलीजर मैंने और ये सब के लिए आप लोग को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैं स्पेशली एंड साथ साथ मोटू को भी जो मेरी जिंदगी में आई एंड इस चीज़ को ये सपना को इस चीज़ को हमने जो पॉसिबल किया ठीक है कि मतलब जो ये आज ये हो पाई जो ये हमारे पास से हाउस ऑफ आइज है आप सब आए हो जी तो ये मतलब पॉसिबल होने की वजह एक आप लोग और एक मुटु और आप लोग की दुआ ओके गाइस दिस इज लाइक वेरी गुड स्पेशल मैसेज बट यू सी इट है ना मैं लगभग सब हेरी सके बट दिस इज लाइक अ हाउस अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हो वेलकम टू अनदर बेनी व्लॉग अभी जाके इंटरव्यू देखिए तो अभी हुई है ना पता नहीं कौन थी इसकी इंटरव्यू लेने वाली कौन थी वो औरत नहीं पता मेरा झूमर देख रहा हूँ लुक एट दिस यार यू डाइव इज हर राइट राम दे यू टेक के घर पर हमारी लाइट्स क्यों जल रही किसके गाइस ये सेंसर है यू नो ये लाइट चलाओ मन करोगी तो जलेगी ना सॉरी गाइस सनसेट हमारा फाउंटेन और इधर हमारा शीशा एज यूजुअल शीशा बिना तो घर नहीं होगा सच्ची सारी तो क्या चमक रही यार सच्ची सो गाइस इधर से एंट्रेंस होती है हमारे घर की सो वेलकम टू हाउस ऑफ आयुजे इसको बनाने में हमें मैं जब से इधर हूँ हम लोग तब से बना रहे हैं ठीक है इसकी बिफोर आफ्टर आप लोगों को देखने को मिलेगी लेकिन हमने इसमें बहुत मेहनत की है कसम से ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था इधर इसमें ये भी नहीं था हम लोग खड़े तो वेलकम ये हमारा सिटिंग है लिविंग है मजलिस है जो भी आप लोग बोल सकते हो बोलो अरे डिजाइन बाय माय वाइफी ऑफ कोर्स माय वाइफी ने देख सकते हैं आप ये सब डिजाइन मोटू ने किया है सोफे की इधर उधर की सब जगह की तो दिस इज हाउ इट लुक्स बहुत अच्छी है हमारी वॉच देखो कैसी है गाइस Everything is like so good. के तो क्यों ठके थे वो दुबई को भाई छके रूम में आयुष का फेवरेट आयुष को मयूर हर जगह चाहेंगे हाँ इधर भी उधर भी उसको जब भी गिफ्ट देना होता है किसी को भी तो मोर ही चूज करता है और उसे घर भाई लेवन परसेंट होते हैं एक चीज आयुष की पसंद की अब दो हो गई है एक तो ये मयूर और किचन वो ऑन द वे की जो आप लोगों को दिख रही है ना जगह कि हमने इधर जो प्लांट रखा हुआ है इधर प्लांट नहीं है बेसिकली वो आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ देखने को मिलेगा इधर बहुत सारी चीजें जो अभी
बन रही है। उसके ये घर में मतलब जो भी आप लोग देख रहे हैं ना, इधर उधर सब ये टीवी, इधर ये घड़ी वड़ी सब कुछ, सब ये उसकी चॉइस है। ये घर भी मतलब घर तो शायद मेरी चॉइस है। जब वो दुबई थी मैंने पूछा था ये घर कैसी है, मैंने मतलब लगभग 10 से लेकर 20 घर तो दिखाई होगी लड़की को। और ये घर बन रही थी अभी, ये न्यू कॉलोनी है तो इधर ये घर बस अभी बन रही थी, तो इसमें ना कलर हुई थी ना कुछ। सबसे पहले हमने लिया ना, हमने लिया सबसे पहले। यस, और मतलब उसने ये घर उसको भी अच्छी लगी थी तो ये घर फाइनल किया था। और उसके बाद ये इंटीरियर, ये क्या क्या बोले इंटीरियर, और ये टीवी, इंटीरियर डिजाइनर, सब। मेरे घर में कुछ चॉइस ही नहीं है, कुछ चॉइस भी नहीं है, बस मेरी चॉइस क्या है, एक इंटीरियर है यार। मैं हेर्दै हेर्दै गयो अनि धेरै हेर्छु गाइस, सोतै भराले काटेर देऊ त्यो सबैलाई पनि। मैं सारे एक्सपेरिमेंट किया करूंगी, एक्सपेरिमेंट में के साइंस कर रहे हैं, खाना बनाने देने एक्सपेरिमेंट बनाना ना कुछ नहीं आता, एक्सपेरिमेंट करूंगी। तो किससे, खुद ही बोला कि कोई कोई बात नहीं है। आप तो गेंदी सांड। सो गाइस ये देखो ये कितनी प्यारी लग रही है हमारी ड्रेसिंग, ठीक है, इट्स ब्यूटीफुल। इधर भी मैंने अंदर लाइट्स लगवाई है, ठीक है, और शीशे के पीछे भी लाइट्स है। एंड जब आप वाली लाइट्स खोलते हो, चलो दिखाती हूँ, ये वाली है जन, नहीं दूसरी, दिस वन, ओ साफ पीछे देखो, अभी तक हमने अपने रूम में कोई पिक्चर्स कुछ भी नहीं लगाई है, न्यू, हमें अभी तक कुछ टाइम ही नहीं मिला। जब हमें जाऊंगी तो फिर करेंगे कुछ। तो या ये हमारा बेडरूम है वो। This is like the proper video of the house. Wow, yeah, it's so good. Timi ta chadi gayo malai yate ke aba samari dyu ma ibadana bani color pani bapal cha timre lagi dadgan cha mero aankha le timro aankha lai I think probably the parents would have been like so proud. Yeah, this is our TikTok pati aune bhayo. साथ समुद्र माया, हमारे एक छोटी सी संसार यार, मोटू यार हमारी घर है कसम से यार, मुझे भी नहीं होती। अरे यार नहीं, ये कॉलोनी रहती है ना, मेरे तो लाइक भनौँ ना आउट ऑफ माई वो औकात है, सब कुछ, सब चीज़, जो भी चीज़ मेरे पास है अभी, ए वाई जेड घर बीरा जो भी है ना, मैं तो ऑनेस्टली बोलूँगा कि मेरी मतलब औकात औकात है, मोटू को मिलना भी मेरे तो मतलब आउट ऑफ मेरी औकात के बाहर की चीज़ है सब कुछ, बहुत मतलब बड़ी चीज़ है सब कुछ, ये जो भी चीज़ है ना मेरे पास, हमारे पास जो भी चीज़ है अभी, तो ये मतलब मेरी औकात से मतलब बाहर की चीज़ें, पर पता नहीं यार मैंने क्या कर किया हूँ जिंदगी में, या क्या मतलब मुझे मतलब किस्मत से लिखी है, क्या है सब कुछ मिल रही है जो सोचा हूँ, और वही यार और सारी चीज हासिल करनी है जिंदगी में, होप ऐसे ही करते करते स्टेप बाय स्टेप सारी चीज पूरी होता है। यस, सो थैंक यू सो मच गाइज है, और म केही भन्दिनँ यार, मलाई त अरू केही बोल्ने मन लागेको छैन, जस्ट एकदम इमोसनल भएर आयो मनमा, म बोल्ने बित्तिकै कस्तो त्यो कुराहरू बोल्न चाहिरहेको छु, तर कस्तो त्यो रुने टाइपको हुन्छ नि एउटा घाँटीमा केही अड्के अड्के जस्तो हुन्छ, सो त्यही हो, लभ यु सो मच, थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ आवर ब्लग, अनि बिहे हुन्छ यही घरमा, क्योंकि मुझे मेरी मोटू को रानी बना के रखनी है, ओके मेरे लिए नहीं है ये,
मोटू के लिए और अजुमा के लिए, ठीक है? Okay guys, that was the video because I really wanted to do this part because last part mein bhai le reveal pani gareko thiyo, so that's why, so he has confirmed, but this is like I think sabai jana lai thaha pani thiyo ke Ayush bhai ko euta dream thiyo jun chai pura garne ni usko ichha thiyo and jun chai ule pura garyo and pura garne bidhi tau garni ke aba ta biya garna paryo bhanni ta bhayo ni ta, but yaar see that is the thing that you know the basic reason of supporting hai mero side bata, I really don't know about other people बट बेसिक होइन मेरो चाहिँ एकदमै मेरो ओपिनियनमा चाहिँ मैले उनीहरूलाई सपोर्ट गर्ने भनेको दिस इज दे आर लाइक लुक एट हिम आयुषलाई हेरेर पनि थाहा हुन्छ इन स्पेसली इन भिडियोज मोस्ट अफ द टाइम होइन वर यु आर मेकिङ भिडियो यु कान्ट प्रिटेन्ड किनभने उनीहरूले ब्लग यताउता दुई वर्षसम्म बनाइसकेछ यु कुड सी आयुष के उसलाई फिल भएको चिजहरू बिकज द्याट्स वाइ आई सपोर्ट देम बिकज नो म्याटर वाट हाउ मच दे हेभ अचिभ्ड इन लाइफ दे आर स्टिल द सेम पर्सन दे आर स्टिल ग्राउन्डेड दे आर भेरी हम्बल अनि यत्तिकै चाहिँ एन्ड just like we can't believe what they have achieved I actually think that they also can't believe how they have achieved haina there is like so much of hard work behind the scene that they are doing tara uniharula pani thaha chaina ke tyo ke huncha unhar pani hami jastai ekdamai humble chha oho yaar garliyo yaar mal ta yaar achieve garle bhane I think that is like so pure the heart is very pure and everything whatever they do is so pure and I think that connects haina jo jale chha ulai support garcha त्यस्तो त्यस्तो चिजहरू चाहिँ एकदम कनेक्ट गर्छ क्या एन्ड द्याट्स वाइ प्रोबेब्ली दे हेभ अचिभ्ड एन्ड प्रोबेब्ली गड हेज ब्लेस देम एन्ड प्रोबेब्ली अस लाइक ह्याभिङ देम इन आवर लाइफ एन्ड प्रोबेब्ली फर देम वी आर ह्याभिङ इन देयर लाइफ होइन सो द्याट वाज द भिडियो गाइज जस्ट सेलिब्रेट दिस वान एज आई सेड गाइज जस्ट आउँछ यो कुराहरू बिकज आई अलवेज प्रिडिक्ट फ्युचर होइन आउँछ यस्तो कुराहरू बट आई रियली वान्टेड यु गाइज जस्ट टु बी ह्याप्पी फर आयुष एनर्जी जे जस्ट बी सेलिब्रेट होइन आयुष जनतामा सेलिब्रेट गर्नु एन्ड जस्ट बी ह्याप्पी एन्ड जस्ट इन्जोय एन्ड कोट सिलाउनु गाइज कोट म्यारेज इज कमिङ सुन थ्याङ्क यू गाइज